हेलो फ्रेंड्स, भावना फैशन वर्ल्ड में आज आपका स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ वॉशिंग मशीन का कवर कैसे सिलते हैं। यहाँ पे मैंने एक कपड़ा लिया है, अभी हम यहाँ पे माप में बताती हूँ वॉशिंग मशीन का। हमारी वॉशिंग मशीन का ये लंबाई है 40, मैंने यहाँ पे 40 माप लिया है, और चौड़ाई हमारी है 25। 23 से हम 2 इंच बढ़ा के 25 इंच का चौड़ाई रखी है। ऐसे ही मैंने 4 पार्ट कट कर लिए हैं। अभी मैं आपको इसके ऊपर का पार्ट बताती हूँ। अभी हमारा ऊपर का पार्ट है, ऊपर का पार्ट भी हमारा ये 25 इंच का रहेगा। 23 इंच और 2 इंच बड़ा के 25 इंच का ये दोनों साइड लंबाई और चौड़ाई रहेगी। अभी इसको मैं सिल के बताती हूँ कैसे सिलते हैं। अभी मैंने यहाँ पे ये 4 पार्ट कट किया था, अभी इसको हम यहाँ पे सिल के बताती हूँ कैसे सिलते हैं। अभी ये यहाँ पे मैंने 2 पार्ट लिया है, अभी इसको हम यहाँ से सीधा स्ट्रेट सिलाई मारेंगे। अभी यहाँ पे हम ये 2 पार्ट ज्वाइंट करेंगे, इसको हम पूरी सिलाई मारेंगे। अभी मैंने यहाँ पे सिलाई मार दी, इसको जॉइंट कर लिया है। अभी इसी तरह हम दूसरा 2 पार्ट को ऐसे ही जॉइंट करेंगे। और अभी मैंने यहाँ पे चारों साइड से यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अभी इसको ये हमारा बॉक्स की तरह रेडी हुआ है। अभी हम इसको ऊपर का पार्ट जॉइंट करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे ये ऊपर का पार्ट लिया है, अभी इसको मैं यहाँ से जॉइंट करूंगी। को यहाँ पे चारों साइड से जॉइंट करना है। इसको हम यहाँ पे ये कॉर्नर पे है हमारा ये सिलाई का नॉक, इसे हम यहाँ पे सिलाई मारेंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड भी ऐसे ही, ये दूसरा पार्ट है, हम इसको यहाँ से दूसरी सिलाई तक इसको ज्वाइन करेंगे। अभी ये हमारा ये तीसरा पार्ट है, इसको हम यहाँ से सिलाई तक इसको जॉइंट करेंगे। ये हमारा चौथा पार्ट है, इसको हम यहाँ से ये लास्ट सिलाई इसको मारेंगे। इसी तरह मैंने यहाँ पे चारों पार्ट जॉइंट कर लिए। देखो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये वॉशिंग मशीन का कवर रेडी कर लिया है, इसको हम यहाँ पे लगा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो आप इस वीडियो
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।